इस निश के प्रायोजक है ताज नर्सरी एंड वॉल। ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल, जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में, कुंदिया रोड, बालाघाट। बार बार जन सुनवाई में शिकायत देने पर भी जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो खैलांजी क्षेत्र के एक ग्रामीण के द्वारा समस्याओं की कागज की प्रति को अपने आप पर चस्पा करते हुए जन सुनवाई में वहां पहुंच गए, जहां उसे देखकर हर कोई उसी की चर्चा कर रहा था। किंतु इस तरह के अपने आप पर चस्पा किए हुए समस्याओं के कागजों को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जन सुनवाई में जाने नहीं दिया और समस्याओं के सभी कागजों को निकाल कर उन्हें अपनी बात रखने के लिए जन सुनवाई में फिर जाने दिया। आपको बता दें कि इसके पहले भी यह प्रदर्शन एक युवक के द्वारा जन सुनवाई में किया गया था। जिले में जन सुनवाई सहित विभिन्न माध्यमों से शिकायतों की सुनवाई के लिए दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे उक्त खोखले दिखाई देते हैं। जब आवेदक शिकायतों के बाद भी जांच नहीं होने पर शिकायतों के प्रति प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाने शिकायतों को शर्ट पर चस्पा करके पहुँचने के लिए मजबूर होते हैं। बीते मंगलवार को भी जन सुनवाई में पंचायत की जन सुनवाई में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से एक शिकायतकर्ता अपने शर्ट पर शिकायतों को चस्पा कर जन सुनवाई में पहुँचा था। हालांकि जनसुनवाई में अधिकारियों के पास पहुंचने के पहले ही सुरक्षा गार्ड ने उनका शर्ट चेंज करा दिया। इसी तरह घटनाक्रम 1 अक्टूबर को जनसुनवाई में फिर दिखाई दिया था, जब जनपद पंचायत खैलांजी के खड़कड़ी के दो आवेदक राजेंद्र देवारे और देवेंद्र चिटकुले शर्ट में आवेदन लगाकर जनसुनवाई में पहुंचे। हमने आवेदन लगा लगा के जनपद में भी लगाए, पंचायत में भी लगाए, इधर उधर लगाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से मजबूरन हमको आवेदन लगा के या चिपका के आना पड़ रहा है। रास्ता भी नहीं है और जरिया भी नहीं है। और आपके पंचायत के जो प्रतिनिधि है, सरपंच, सचिव, ये क्या बोलते हैं आवास में? ये क्या बोलते हैं, सब देंगे बोलते हैं, लेकिन कब देंगे इसकी गारंटी नहीं है।